इधर प्रदेश के शहरी निकायों ने वेबसाइट्स को अपने खजाने को भरने के लिए हथियार बना लिया है। शहरों में रिहायशी और व्यवसायिक परिसरों से शहरी निकाय नगरी विकास कर की वसूली करते हैं। 300 वर्ग गज से अधिक भूखंड पर बने आवासीय भवन और 100 वर्ग गज से अधिक भूमि पर बने व्यवसायिक भूखंड पर यह कर लागू होता है। ताजा सर्वे के मुताबिक प्रदेश के सभी शहरों में करीब 21 लाख ऐसी संपत्तियां हैं जो नगरीय विकास कर के दायरे में आती हैं। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक सर्वे में सभी संपत्तियां शामिल नहीं की गई और ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ महाजन ने निकाय को निर्देश दिए कि किस तरह सर्वे से छूटी खासकर व्यावसायिक इमारतों का पता लगाया जाए। इसके बाद निकायों ने सर्वे से छूटी संपत्तियों को तलाशना शुरू कर दिया है।